हेलो एवरीवन, आई एम संजय राठौर एंड दिस इज़ द डेमो क्लास 2 फॉर ICRPG और GRF इकोनॉमी क्लासेस 2025 एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड ASRBNET और ICRNET क्लासेस. सो स्टूडेंट दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ICRNET कैन जॉइन द क्लास एंड द आई विल शेयर द लिंक इन द कमेंट बॉक्स और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And in this video, I will teach what are the saline and alkaline soil, what are the major differences between these two, also the concepts, explanation, tricks to remember, and one more thing I will share, what are the reasons behind the sodium which causes defloculation in an alkaline soil. Okay, so without getting delay, let's start. देखिए, सेलाइन एल्कलाइन सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही आता है. इवन GRF SRF में हमेशा पूछा जाता है, लाइक सॉइल सेलाइन सॉइल है, सोडिक सॉइल, किसी भी सॉइल का pH क्या है, SAR क्या है, EC क्या है, ESP, TSS, ENR, ये सारी चीज़ें, है ना. यहाँ से क्वेश्चन मतलब फिक्स ही होता है एक ऑलवेज किसी ना किसी एग्ज़ाम में, GRF में तो आता ही है, है ना. तो ये जो चार्ट है इसमें स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, है ना. तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा और एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ठीक है, ये चार्ट भी आपका याद हो जाएगा, है ना, इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो कॉन्सेप्ट देखेंगे. मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि सेलाइन सॉइल है तो इसमें जो है किन चीज़ों के कारण सेलिनिटी होती है, ठीक है, वो अगर याद हो जाएगा तो आपका EC भी याद हो जाएगा, SAR, ESP, TSS, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना. सिमिलरली सोडिक सॉइल के साथ है, अगर सोडिक सॉइल किन चीज़ों से मिलकर बनता है, है ना, या फिर किन एलिमेंट्स का क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सोडिक सॉइल में, ये हमें अगर याद हो गया तो इसको याद करना इस टेबल को इजी हो जाता है, है ना. तो चलो देखते हैं आगे. सेलाइन सॉइल्स, ठीक है, सेलाइन सॉइल्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई सॉइल है जिसका pH लाइक बिलो 8.5 है तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि एक फार्मर के फील्ड का हमने सॉइल की टेस्टिंग की, उसमें pH अगर 8.2 आया, है ना, और ESP जो है 13 आया, EC जो है 5 आया, है ना, तो सॉइल क्या हो सकता है, कौन सा सॉइल हो सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, दैट विल बी सेलाइन सॉइल. तो सेलाइन सॉइल हम उन सॉइल को बोलते हैं, ठीक है, जिनमें क्लोराइड सल्फेट, है ना, क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस, ठीक है, किसके होंगे, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के एंड सोडियम के, ठीक है, और कार्बोनेट्स इसमें एब्सेंट होता है, याद रखना, बाई कार्बोनेट जो है दोनों में होता है, ठीक है, बाई कार्बोनेट जो है दोनों सॉइल्स में होती हैं, सेलाइन में होता है और वो एल्कली सॉइल में भी होता है, ठीक है. तो बाई से याद रखना, बाई मीन्स बोथ, ठीक है, तो दोनों सॉइल में होगा. अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि बाई कार्बोनेट आयंस सेलाइन सॉइल में ज़्यादा होंगे कि एल्कली सॉइल में ज़्यादा होगा, ठीक है, तो याद रखना बाई कार्बोनेट एल्कली सॉइल में ज़्यादा होता है, ठीक है, बाई कार्बोनेट किसमें ज़्यादा होगा, एल्कली सॉइल में, दोनों में होते हैं बट दोनों में से ज़्यादा किसमें होगा, तो एल्कली सॉइल में ज़्यादा होता है, ठीक है, बाई से बोथ हो जाएगा, बोथ सॉइल्स में, और एल्कली सॉइल में जो है ये ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेलाइन सॉइल, ठीक है. इसके बाद जो है हमें ये याद रखना है कि कार्बोनेट्स जो है, अगर कार्बोनेट सोडियम के, मैग्नीशियम के एंड कैल्शियम के कार्बोनेट फॉर्म में होंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तब ये एलिमेंट्स अगर पाए जाते हैं किसी सॉइल में तो वो सॉइल क्या कहलाएगा, एल्कली सॉइल, ठीक है. और अगर क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम होता है, ठीक है, तो वो कौन सा सॉइल होगा, सेलाइन सॉइल होगा. और याद रखना सोडियम का कंसंट्रेशन अबव 50% नहीं होता, ठीक है, किसमें, सेलाइन सॉइल में, सेलाइन सॉइल में सोडियम का कंसंट्रेशन 50% से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है. अब याद रखना कि अगर क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम है किसी सॉइल में तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेलाइन सॉइल. वहीं अगर कार्बोनेट है, ठीक है, CO3- कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये हैं अगर किसी सॉइल में तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल बोलेंगे, ठीक है. तो ये याद रखना है. अब सोडियम जो एल्कली सॉइल है, ठीक है, तो इसमें सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सोडियम कार्बोनेट का, कंपेयर टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. ओके, ये चीज़ हो गई.
इसको हम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम से नहीं देखते हैं, है ना, हम इसको क्लोराइड आयंस एंड सल्फेट आयंस और यहाँ पर कार्बोनेट आयंस के बेसिस पे देखते हैं कि वो सॉइल कौन सा होगा। ठीक है, अब जो क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सोडियम है, ये मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये ईजिली जो है लीच डाउन हो जाता है। हमें सेलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपली हम वाटर इम्पाउंड करेंगे, है ना, जल का भराव करेंगे फील्ड में और लीच डाउन हो जाता है, मतलब ये घुल जाएंगे सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएंगे सॉल्ट और लीच डाउन हो जाएंगे बिलो द रूट जोन, है ना, रूट जोन के नीचे चले जाएगा और सिंपली सेलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, वहीं अल्कली सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट्स नहीं होते, सोडियम आयन डोमिनेट करता है वहाँ पर। और सोडियम आयन क्या करता है, जो सपोज ये क्ले पार्टिकल है आपका और यहाँ पर जो है इसको स्ट्रांगली अटैच हो जाता है क्ले पार्टिकल में, है ना। इसको आगे बताऊंगा मैं किस तरीके से सोडियम क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम में कैसे कैल्शियम क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसके बेसिस पे जो है फ्लॉकुलेशन और डिफ्लॉकुलेशन कॉज करते हैं, है ना, तो आगे बताऊंगा मैं ये चीज़। तो जैसे मैंने बताया कि कार्बोनेट्स अगर ज़्यादा हैं, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, है ना, तो वो एल्कली सॉइल होगा। और वहीं क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सोडियम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेलाइन सॉइल। बाइकार्बोनेट दोनों में होगा और दोनों में से किस में ज़्यादा होगा, तो एल्कली सॉइल में। एक और चीज़ आती है एल्कलाइन सॉइल, ठीक है, एल्कलाइन सॉइल, तो इससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एल्कलाइन सॉइल क्या होता है। तो एल्कलाइन सॉइल जो है कम्बाइनली सेलाइन सॉइल और सेलाइन सॉइल प्लस एल्कली सॉइल को कम्बाइनली क्या बोलते हैं, एल्कलाइन सॉइल। और इसका पीएच कितना होता है एल्कलाइन सॉइल का, अबव 7.3, ठीक है, एवन किसी किसी बुक्स में 7.2 भी लिखा है, तो बोथ आर करेक्ट। तो एल्कलाइन सॉइल का पीएच क्या होगा, अबव 7.3। क्वेश्चन आता है कि एल्कलाइन सॉइल का पीएच क्या है, तो ध्यान देना है एल्कलाइन सॉइल है वो, है ना, एल्कलाइन सॉइल में दोनों आते हैं, सेलाइन सॉइल और एल्कली सॉइल, ठीक है। तो पीएच कितना होगा, अबव 7.2 या 7.3, वहीं एल्कली सॉइल इसका पीएच 8.5 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़, आई होप कि ये चीज़ याद हो गई होगी। अब सेलाइन सॉइल में मोस्टली क्या होते हैं, एक्सेस किसका होता है, न्यूट्रल सॉल्ट्स का, ठीक है। वहीं एल्कली सॉइल में किसका एक्सेस होता है, तो सोडियम आयन का, है ना, सोडियम आयन में कौन सा, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इनकी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सिंपली ये भी पूछ सकता है कि अगर सॉल्ट्स या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कौन सा सॉइल होगा, तो दैट इज़ सेलाइन सॉइल। और अगर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा बोलता है तो वो क्या होगा, अपना एल्कली सॉइल। अगर हम अब फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सेलाइन सॉइल का फिज़िकल प्रॉपर्टी कंपेरिवली अगर हम एल्कली सॉइल से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा होता है, और एल्कली सॉइल का फिज़िकल कंडीशन काफ़ी पुअर होता है, वो आगे बताऊँगा मैं, है ना। और एक चीज़ याद रखना कि टॉक्सिसिटी जो है सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की किस में होती है, तो सेलाइन सॉइल में होती है, है ना, ये चीज़ याद रखना, सेलाइन सॉइल में सोडियम की टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है, कि कब लाइक पीएच कब बिलो होगा 8.5, ईएसपी कब अबव होगा 8.5, ईसी कब कम ज़्यादा होगा किस सॉइल में, तो ये चीज़ मैं लास्ट में याद करवाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला अपना फिजिकल कंडीशन, अच्छा होता है सेलाइन सॉइल का कंपेयर टू एल्कली सॉइल, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम का ज़्यादा है कंसंट्रेशन और इसमें सिंपली जो है बारिश तो होते ही रहती है, तो लीच डाउन हो जाता है जो एक्सेस सॉल्ट है, है ना, और यहाँ पर डिस्पर्जन नहीं होता, डिस्पर्जन जो है काफ़ी लाइक बेकार चीज़ है सॉइल के लिए कहा जाए तो, है ना, वो आगे बताऊँगा क्यों, क्योंकि एक तो पार्टिकल्स को बिखेर देती है, है ना, तो इससे जो है सॉइल का एग्रीगेशन नहीं हो पाता है, तो डिस्पर्स्ड फेज में होता है वो, है ना, सोडियम के कारण डिस्पर्स्ड फेज में होता है सॉइल, और जिसको हम डीफ्लॉकुलेशन भी बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्वांटिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है सेलाइन सॉइल में, तो यहाँ पर फ्लॉकुलेटेड कंडीशन होता है, है ना, तो इसलिए जो है कंपेरेटिवली जो है सेलाइन सॉइल का फिजिकल कंडीशन ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कली सॉइल, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयन का अगर टॉक्सिसिटी बोले तो किस में होगा, सेलाइन सॉइल में। दूसरा, सॉल्ट्स का वाइट क्रस्टिंग किस में होगा, तो मैंने जैसे बताया सॉल्ट्स या न्यूट्रल सॉल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी तो वो सेलाइन सॉइल में जाएगा, है ना। तो वाइट क्रस्टिंग ऑफ सॉल्ट्स ऑन द सॉइल सरफेस,
तो किस सॉइल में होगा, तो सेलाइन सॉइल में, क्योंकि ये सॉल्ट्स हैं, जैसे कि सपोज ये सॉइल सरफेस है ना, और यहाँ जब क्या बोलते हैं, मेनली जो है सेलाइन सॉइल एरिड से सेमी एरिड कंडीशन में होता है, एल्कली सॉइल भी जो है सेमी एरिड कंडीशन में होता है, एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में, ठीक है। तो जब वाटर इवेपोरेट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है आफ्टरनून के टाइम पे, तो पानी के साथ जो है सॉल्ट्स डिजॉल्व हो जाती हैं और इवेपोरेट होके सॉइल सरफेस पे आ जाती हैं, है ना। और यहाँ पर जो है ये क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम वाइट क्रस्टिंग ऑफ सॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेलाइन में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है, ये दो मेजर प्रॉब्लम है सेलाइन सॉइल में, सोडियम एंड क्लोराइड आयन की टॉक्सिसिटी, और दूसरा वाइट क्रस्टिंग ऑफ सॉल्ट्स ऑन सॉइल सरफेस, और दूसरा एक और मैंने लिखना भूल गया इसमें, कि ऑस्मोटिक इफेक्ट, ठीक है, ऑस्मोटिक इफेक्ट जो है किसमें देखने को मिलता है, सेलाइन सॉइल में, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑस्मोटिक इफेक्ट किसमें देखा जाता है, सेलाइन सॉइल में, ठीक है। इसमें ऑस्मोटिक, चलो ऑस्मोटिक इफेक्ट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं जब इरीगेशन पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर बता दूँगा, है ना, ठीक है। अब एल्कली सॉइल पर अपन मूव करते हैं, तो एल्कली सॉइल में, एल्कली सॉइल हम तब बोलते हैं जब उस सॉइल का पीएच अबव 8.5 हो, ईएसपी अबव 15 हो, ईसी जो है बिलो 4 हो। तो इसको याद करने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा, है ना, कि कैसे याद रखना है, ठीक है। अब एल्कली सॉइल में और दूसरा क्या होता है, मैंने बता दिया कि ये डोमिनेटेड होते हैं किससे, कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम आयन्स, है ना, मेनली यही होता है, और कुछ क्वान्टिटी में कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड देख लो, है ना, तो मेजर प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट का और डीफ्लॉक्युलेशन का, ठीक है। पुअर फिजिकल कंडीशन होती है किसके कारण, डीफ्लॉक्युलेशन के कारण। अब डीफ्लॉक्युलेशन कैसे होता है तो ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट इसमें काफ़ी कम होता है, बिलो 1 mm पर आवर होता है ना ये, और ये सबसे मिनिमम है। जितनी भी सॉइल्स हैं अपनी, सैंडी है, क्ले है, सिल्टी है, है ना, तो उन सब में जो है सबसे कम अल्कली सॉइल का होता है, बिलो 1 mm पर आर, ठीक है। कभी आप देखना हरियाणा पंजाब रीजन में मोस्टली जो है सेलाइन अल्कली सॉइल है, तो वहाँ पर देखना आप जब इरिगेशन दिया जाता है, फिर रेनफॉल होता है, तो दो दिन तीन दिन तक जो है वाटर इन्फिल्ट्रेट ही नहीं होता है ना, सॉइल में इन्फिल्ट्रेट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखना कभी आप अगर इस रीजन में हैं तो देखना, या फिर कहीं भी अल्कली सॉइल है तो आप इस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी उतना ही, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा प्रैक्टिकल। अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगी चीज़ें। यही हमारी यूनिवर्सिटीज़ का एक ड्रॉबैक है कि लाइक थ्योरी भी अच्छे से नहीं पढ़ाते और प्रैक्टिकल तो आप छोड़ ही दो, है ना। तो चलो, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर। अब यहाँ पर वाटर जा नहीं पा रहा है तो एयर भी तो नहीं जा पाएगा ना, उसके लिए भी तो जो है स्पेस नहीं होता है, तो एयर भी एंड वाटर भी इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों हो जाता है, क्योंकि डिस्पर्जन कॉज करता है ये सेलाइन सोडियम, ठीक है। अब रीजंस देखते हैं डीफ्लॉक्युलेशन का। डबल डिफ्यूज लेयर अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्लास में आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी अपन डबल डिफ्यूज लेयर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हाइड्रेटेड आयंस होती हैं सोडियम की, है ना, इसमें जो चार्ज, आपने लायट्रोपिक सीरीज़ पढ़ा होगा, ठीक है, लायट्रोपिक सीरीज़, जिसको हॉफ मिस्टर सीरीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, स्ट्रेंथ को, किसी भी आयंस की, कि कौन सबसे पहले एडजॉर्ब होगा क्ले पार्टिकल में या फिर किसी भी मटीरियल में, कौन सा आयन सबसे पहले एडजॉर्ब होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं चार्ज किसका कितना ज़्यादा है, वैलेंसी, ठीक है। तो जैसे एल्यूमिनियम का 3+ है, इसके बाद जो है हाइड्रोजन आता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्यों आता है, इसके भी रीज़न है, ठीक है। हाइड्रोजन क्यों आता है डाइवेलेंट कैटायन से पहले भी, क्योंकि मोनोवेलेंट है ना, इसमें इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वो साइज़ वगैरह से रिलेटेड है, इसको क्लास में बताऊँगा आगे चल के, है ना। तो पहला देखते हैं वैलेंसी, फिर दूसरा चार्ज डेंसिटी हाइड्रेटेड आयन का, है ना, वो सारी चीज़ें। और इसके बाद आता है अपना कैल्शियम 2+, फिर आता है मैग्नीशियम
ठीक है, 2+, फिर आता है अपना पोटेशियम, और पोटेशियम एंड क्या बोलते हैं अमोनिया का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आता है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का इतना ज़्यादा जो है पोटेंशियल नहीं होता है इसके चार्ज का कि वो क्ले पार्टिकल का जो नेगेटिव चार्ज है उसको सेटिस्फाई कर पाए, है ना, या फिर कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर पाए, ठीक है। हमें पता है, चलो इसको बता ही देता हूँ मैं, ये एक मैंने इमेज ऐड किया था बट उतना अच्छा नहीं है, ये क्ले पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। ये है क्ले पार्टिकल, जिसमें क्या होता है अलग से डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ मैं। सपोज ये क्ले का प्लेट है ना, प्लेटी स्ट्रक्चर होता ही है क्ले का, इसमें हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, सिंपल सी है फिजिक्स की चीज़ की, नेगेटिव जो है चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और अगर सिमिलर चार्ज हैं नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इन दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये जो है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सोडियम का पॉजिटिव चार्ज एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का भी बना देते हैं अपन, ये नेगेटिव चार्ज हो गया क्ले पार्टिकल में। अब सोडियम प्लस का जो है चार्ज, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो ये जो क्ले पार्टिकल है, ठीक है, उसके पास जो है ये डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड होता है, बट उसके बाद जो है सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन करता है, जो कि इतना ज़्यादा डेंसली पैक्ड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन है ही नहीं, सबसे लास्ट में आ रहा है, ये देखो सबसे लास्ट में आ रहा है सोडियम, ठीक है। कैल्शियम तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका अट्रैक्शन उतना नहीं है किसी भी मटेरियल या फिर क्ले पार्टिकल को के ओर, है ना। तो इसलिए जो है ये कम्प्लीटली जो है नेगेटिव चार्ज जो क्ले पार्टिकल में है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, है ना। और एक ये थिक डबल डिफ्यूज लेयर, ठीक है, डिफ्यूज डबल लेयर का जो है थिक डिफ्यूज डबल लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चार्ज ये देखो ऐसे, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाउड्स फॉर्म्ड बाय सोडियम आयंस, है ना, इसको ये बोला जाता है। तो ये एक स्पंज टाइप से या फिर स्प्रिंग देखा होगा आपने, है ना, उसको अगर आप दबाएंगे ऐसे तो वो और ज़्यादा स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन बन जाता है सोडियम डोमिनेटेड क्ले पार्टिकल या फिर सॉइल के कंडीशन में, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर भी ये सेम सेकेंड क्ले पार्टिकल है सपोज, ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्ले में। अब इसके पास जो रहेंगे वो थोड़े पॉजिटिव चार्ज डेंसली पैक्ड रहेंगे, और इसके बाद जो सेकेंड लेयर रहेगी वो उतना डेंसली पैक्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। अब सपोज़ इमेजिन करो आप, ये दोनों पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को भगाएंगे, ठीक है। ये इधर को जाएगा, ठीक है, ये इधर को ही जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं ये, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। अब कैल्शियम डोमिनेटेड क्ले पार्टिकल्स के केस में क्या होता है, कैल्शियम का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, है ना, स्ट्रेंथ टूवर्ड्स किसी भी मटेरियल या फिर क्ले पार्टिकल के ओर अट्रैक्ट होने का स्ट्रेंथ ज़्यादा है कैल्शियम का, है ना, ठीक है। तो कैल्शियम जो है डेंसली पैक्ड हो जाता है क्ले पार्टिकल के अराउंड, ठीक है, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, थिन, ठीक है, थिन डिफ्यूज डबल लेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, डेंसली पैक्ड हो गया। अब सपोज यहाँ पर दूसरा क्ले पार्टिकल भी है और वो भी कैल्शियम डोमिनेटेड है, ठीक है, ये भी कैल्शियम डोमिनेटेड है, कैल्शियम डोमिनेटेड, तो ये हो गया अपना प्लस चार्ज जो कि डेंसली पैक्ड है, सेम सिमिलर कंडीशन रहेगी, सिमिलर सिचुएशन रहेगा। तो यहाँ पर कोई सेकेंड लेयर बना ही नहीं, है ना, जिसमें वीक चार्ज हो, है ना, यहाँ पर जो चार्ज है ये क्ले पार्टिकल के अराउंड, मतलब क्ले का जो चार्ज है उसको कम्प्लीटली या फिर पार्शली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली जो है सेटिस्फाई कर देता है, जिससे जो है डबल डिफ्यूज डबल लेयर का जो है फॉर्मेशन नहीं होता है। और दूसरी चीज़, जो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा था सोडियम डोमिनेटेड क्ले पार्टिकल की कंडीशन में, वो यहाँ पर नहीं होता है। अब ये जो है रिपेल नहीं करेंगे क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें क्ले की ओर है, है ना, क्ले की ओर था ये, ठीक है, क्ले पार्टिकल के टूवर्ड्स था, तो इसलिए जो है ये वीक जो वॉन्डर वॉल फोर्स है, ठीक है, वीक वॉन्डर वॉल फोर्स के थ्रू जो है ये अटैच हो जाते हैं या फिर जुड़े होते हैं, और जो कि फिर सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो दिस इज़ द कम्प्लीट थ्योरी और रीज़न बिहाइंड द
द डीफ्लॉकुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन कॉज्ड बाय कैल्शियम आयन एंड सोडियम आयन्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये अदर नेम्स हैं, ये रीजंस मैंने क्लियर कर दिया है, अगर जिनको समझ में नहीं आया हो तो आप वापस इसको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तीन साइंटिस्ट रिलेटेड हैं सेलाइन एल्कली सॉइल के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आप डी सिगमोंड का नाम याद रख लेना। डी सिगमोंड वह साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था सेलाइन एल्कली सॉइल। ठीक है, सेलाइन सॉइल एंड एल्कली सॉइल या फिर सेलाइन एल्कली सॉइल। ठीक है, तो ये टर्म किसने दिया है? डी सिगमोंड। ठीक है, मैं बता दूँ कुछ चीज़ें जो है आपको ट्रिक से याद हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ट्रिक नहीं बन पाएंगी तो उनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट है रीजन से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब ग्रेडोविच, ठीक है, तो ग्रेडो सोलो ऐसे याद रख लेना, ग्रेडो सोलो, ग्रेडो सोलो। ठीक है, तो ग्रेडोविच ने जो है क्या टर्म दिया था? सोलन चौक एंड सोलो चौक, ऐसे याद रख लेना, सोलन चौक एंड सोलोनेड्स। ठीक है, सोलोनेड्स एंड सोलो सोलन चौक। ठीक है, तो ग्रेडो सोलो, तो ये हो जाएगा आपका सोलन चौक जो है किसको बोलेंगे? चौक जैसा वाइट क्रस्ट किस में बन रहा था? सेलाइन सॉइल में, याद रखना है ना। चौक जैसा, चौक कैसा होता है अपना? वाइट कलर का होता है। ठीक है, और वाइट क्रस्टिंग सॉल्ट की किस में बन रही थी? सेलाइन सॉइल में। तो सोलन चौक किसको बोलेंगे हम? सेलाइन सॉइल को बोलेंगे। और सोलोनेड्स जो है ना, सोलोनेड्स एल्कली सॉइल में, एल्कली सॉइल को बोलेंगे। ठीक है, अब हिलगार्ड भी हैं इसमें, हिलगार्ड ने क्या बोलते हैं? हिल। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना आप जो है एल्कली सॉइल का ब्लैक कलर का एंड वाइट कलर का जो है हिल बनता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, हिल है जो कि, एक हिल है जो कि ब्लैक कलर का एल्कली सॉइल का बना हुआ है, और एक हिल है जो कि वाइट कलर का एल्कली सॉइल का बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना हिल। ठीक है, हिल से, तो हिलगार्ड ने जो है क्या टर्म दिया है? वाइट एल्कली सॉइल एंड ब्लैक एल्कली सॉइल। ठीक है, तो सेलाइन सॉइल वाइट किससे, वाइट कलर किससे रिलेटेड था? ठीक है, तो वाइट एल्कली सॉइल से। ठीक है, जैसे सोलन चौक चौक जो है किस कलर का होता है? वाइट। वैसे ही यहाँ भी वैसे ही वाइट एल्कली सॉइल हम किसको बोलेंगे? सेलाइन सॉइल को, और ब्लैक एल्कली सॉइल इसको बोलेंगे। ये गलत लिख दिया है मैंने, सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लेना, मैं कर दूंगा करेक्ट। वैसे अल्कली सॉइल को जो है अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक अल्कली सॉइल, और सेलाइन सॉइल को क्या बोलते हैं हम? वाइट अल्कली सॉइल। ठीक है, और ब्राउन अल्कली सॉइल किसको बोलते हैं? जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, सेलाइन की भी और अल्कली सॉइल की भी। ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे, है ना। तो ब्राउन अल्कली किसे हम बोलते हैं? सेलाइन अल्कली सॉइल को। ठीक है, और अल्कलाइन सॉइल अलग होता है, वो भी बता दिया मैंने, कंबाइनली बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया साइंटिस्ट हिलगार्ड। हिल किसका है? ब्लैक अल्कली सॉइल का और वाइट अल्कली सॉइल का, ग्रेडो सोलो। ठीक है, और डी सिगमोंड जो है सेलाइन अल्कली सॉइल। ठीक है, ये नोट्स जो है कंपाइल की हुई हैं, ये एक बुक में आपको नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, है ना। तो ऐसे ही हम जो है कंपाइल करके जो है एक जगह में सारी चीज़ों को बता देते हैं, तो इससे स्टूडेंट को याद भी हो जाता है। ठीक है, अब जो है अपन आते हैं चार्ट पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल समझ में नहीं आया है तो आप जो है ये पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, अब जो है अपन चार्ट पे आते हैं इस वाले सेलाइन सॉइल का। ठीक है, अब सेलाइन सॉइल का रिलेशन किससे था? मैंने क्या बताया था? सॉल्ट से रिलेटेड था। ठीक है, और इसी क्या बताता है हमारा, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, इसी क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसी किसका ज़्यादा होगा? सेलाइन सॉइल का ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी किसका ज़्यादा होगा? सेलाइन सॉइल का। इसी क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट किस में डोमिनेटेड था, मतलब सॉल्ट डोमिनेटेड है तो हम किस सॉइल को बोलेंगे? सेलाइन सॉइल है वो। ठीक है, तो चार से ज़्यादा किस में हो जाएगा? सेलाइन सॉइल में, और सोडिक सॉइल में चार से कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और सेलीन अल्कली सॉइल या फिर सेलाइन सोडिक सॉइल जो है, सेलाइन आ गया सिंपली इसमें, तो इसी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब सार की बात करें, सार क्या होता है? सोडियम। ठीक है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, तो सोडियम डोमिनेटेड है तो क्या बोलेंगे हम? कौन सा सॉइल होगा? एल्कली सॉइल होगा। एल्कली को ही सोडिक बोलते हैं ना, तो सोडियम डोमिनेटेड है तो क्या होगा? वो सोडिक सॉइल होगा। ठीक है, तो याद रखना सार और ESP भी क्या है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ठीक है, तो ESP एंड सार दोनों किस में ज़्यादा होंगे? तो सोडिक सॉइल में ज़्यादा होंगे। अब TSS क्या होता है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड, है ना, और TSS किससे रिलेटेड होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो TSS भी किसका ज़्यादा होगा?
सेलाइन सॉइल का, और कम किसका होगा? सोडिक सॉइल का, ठीक है। तो आप TSS, ESP, SAR, EC इनको अगर समझ लेंगे कि है क्या, है ना, कि किन चीज़ों को डिनोट करता है, किसको बताता है, अगर ये आपको याद हो गया तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि सेलाइन सोडिक सॉइल में EC किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, SAR, ESP, TSS किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी आपका याद हो जाएगा, है ना। अब सेलाइन सॉइल सोडिक सॉइल में याद रखना, इसका pH यूजुअली कितना होता है? 8.5 से कम होता है सेलाइन सोडिक सॉइल में, ठीक है। और जो DK दास सर की सॉइल साइंस की बुक है उसमें एक रीज़न लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है कि अगर सेलाइन सोडिक सॉइल में, ऐसा तो है ना कि दोनों 50-50% रहेंगे, है ना, तो अगर सेलाइन डोमिनेटेड है तो pH बिलो 8.5 होगा, और सोडिक में सोडिक डोमिनेटेड है तो अबव 8.5 pH होगा, ठीक है। बट इन जनरल नॉर्मली हम बिलो 8.5 ही मानते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है कि सोडियम सेलाइन सोडिक सॉइल में सोडियम डोमिनेटेड है तो 8.5 से ज़्यादा सॉइल का pH होगा, और अगर सेलाइन सोडिक सॉइल में सॉल्युबल सॉल्ट जो है, न्यूट्रल सॉल्ट जो है ज़्यादा हैं तो 8.5 से कम होगा, और कुछ नहीं बोला है तो pH 8.5 कम ही रहेगा, ठीक है। अब सोडिक सॉइल में सोडियम डोमिनेटेड है, ठीक है, तो इसका pH 8.5 से ज़्यादा ही होता है, है ना। इवन जो है सॉइल के pH का रेंज कितना होता है? 3.5 टू 10.5, ठीक है, 9.5 कुछ बुक्स में लिखा है, बट मैक्सिमम 10.5 जाता है। और pH रेंज कितना होता है? तो pH रेंज होता है 0 to 14, ठीक है। बट सॉइल्स जो अपने एग्जिस्ट करती हैं अर्थ में, है ना, उनका pH यूजुअली कितना होता है? 3.5 से 10.5, ठीक है। ये भी आगे पढ़ेंगे जब सेलाइन क्या बोलते हैं एसिडिक सॉइल वगैरह पढ़ेंगे तो, ठीक है, pH क्या होता है वो सारी चीज़ें। तो आई होप इतना समझ में आया होगा अब आपको, है ना। EC किस में ज़्यादा होगा? EC मीन्स सॉल्ट, ठीक है। तो EC क्या बताता है? सॉल्ट का कंसंट्रेशन। तो EC किसका ज़्यादा होगा? सेलाइन सॉइल का। कम किसका होगा? सोडिक सॉइल का, है ना। अब सेलाइन सॉइल में सिर्फ pH 8.5 से कम है यूजुअली, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, है ना। EC भी ज़्यादा है, SAR भी ज़्यादा है, ESP भी ज़्यादा है, TSS भी ज़्यादा है, और ENR भी ज़्यादा है। ENR आगे बताऊँगा मैं, ठीक है, क्या होता है। अब यहाँ पर EC, SAR और ESP में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो EC मतलब सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो सेलाइन सॉइल हो जाएगा, सेलाइन सॉइल का ज़्यादा होगा EC, और सोडिक सॉइल का कम हो जाएगा। अब SAR और ESP जो है क्या बताते हैं? सोडियम को। तो सोडियम ये किस में ज़्यादा होंगे? SAR और ESP सोडिक सॉइल में। कम किस में होंगे? सेलाइन सॉइल में, है ना। अब TSS क्या बताता है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, है ना, जो कि सॉल्ट्स का ही एक प्रकार से कंसंट्रेशन बताता है, ठीक है। तो ज़्यादा किस में होगा? सेलाइन सॉइल में। कम किस में होगा? सोडियम सॉइल में, एल्कली सॉइल में, ठीक है। अब ENR क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रेशियो होता है, ठीक है। ENR जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम अपॉन क्लोराइड प्लस सल्फेट्स, है ना। तो सल्फेट एंड क्लोराइड आयन के कंपैरिजन में सोडियम का कंसंट्रेशन कितना है किसी भी सॉइल में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्लोराइड एंड सल्फेट ज़्यादा होंगे तो क्लोराइड एंड सल्फेट मैंने बताया किस सॉइल में ज़्यादा होता है, तो सेलाइन सॉइल में, ठीक है। तो इसको आप सिंपली ये भी समझ सकते हैं, सेलाइन सॉइल अपॉन अल्कली सॉइल, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अल्कली सॉइल अपॉन सेलाइन सॉइल, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सेलाइन ज़्यादा होगा तो रेशो क्या होगा? कम होगा, है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और न्यूमरेटर में आपका अल्कली सॉइल है, मीन्स सोडियम है, तो सोडियम ज़्यादा होगा तो ENR भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो ENR किसका ज़्यादा होगा? सोडिक सॉइल का, ठीक है। और सोडियम क्या कॉज करता है? डिफ्लॉकुलेशन, ठीक है। फ्लॉकुलेशन किस में हो जाएगा अपना? तो ये सब तो मैं बता चुका हूँ। तो आई होप ये टेबल भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये लाइफ टाइम समझ लो आपको ये याद हो जाएगा अगर आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो, है ना। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर सकते हैं, और क्लास का तो मैंने बता ही दिया है, 20th जो है जुलाई से स्टार्ट होगा, है ना, और इसमें जो है JRF और ICR नेट के लिए, ठीक है, ICR PG एंड ICR नेट दोनों के लिए रहेगा। और जो अलग क्लासेस होंगी, मतलब जो टॉपिक्स अलग होंगे, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, बट अगर स्टिल जो है कुछ चीज़ें अलग होंगी तो उसको मैं जो है अलग से बता दूंगा। और ICR नेट की तैयारी, है ना, उन बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है जिन्होंने JRF की तैयारी, ICR PG की तैयारी बहुत अच्छे से की है ना, उनको ICR नेट की तैयारी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी ICR नेट की ICR जो है JRF की तैयारी बहुत अच्छे से की थी, तो बिना पढ़े जो है मैंने ये एग्ज़ाम दिया था,
आईसीआर नेट का और मेरा क्वालीफाई हो गया फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, है ना। इवन उस इस साल जो है 2023 में काफ़ी टफ क्वेश्चन आया था, क्वेश्चंस आए थे, और बच्चे जो है जिन्होंने मैंने देखा जेआरएफ की तैयारी नहीं की थी अच्छे से, इवन जो बच्चे जिनकी रैंक अच्छी नहीं थी जेआरएफ में वो तक क्वालीफाई नहीं कर पाए, है ना। तो इसलिए जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है जेआरएफ की वो बिना तैयारी के जो है आईसीआर नेट क्वालीफाई कर सकते हैं। और ये क्वालीफाइंग मार्क्स होता है इसमें 40% एससी एसटी के लिए होता है, 45% ओबीसी के लिए होता है, 50% के अबव जनरल कैटेगरी के लिए होता है, है ना। तो ये क्वालीफाइंग मार्क्स होता है, इसमें हायर मार्क्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, है ना। उससे जो है ये क्योंकि क्वालीफाई करना है इसको आपको सिर्फ, ठीक है। अगर एसएमएस एसटी वगैरह के लिए देना है तो फिर ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो सीरीज बात है, अगर जिन्होंने जेआरएफ की तैयारी बहुत अच्छे से की है, अच्छे रैंक आए हैं उनके, अच्छे कॉलेज में हैं, तो उनको आईसीआर नेट की कोचिंग की ज़रूरत है ही नहीं। बट जो बच्चे नहीं किए हैं प्रिपरेशन आईसीआर जेआरएफ की अच्छे से, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो 20 जुलाई से जो है स्टार्ट हो जाएगा ये, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि कोर्स में जो है आप कैसे इनरोल करेंगे, है ना। सिंपली आपको गूगल क्रोम में जाना है, learn.trigiagriculture.com जो है सर्च करना है, है ना। या फिर आप ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पर आपको लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। कोर्सेस में जाएंगे जब आप, तो यहाँ पर ICRPG की कोर्स है और ICR नेट का भी कोर्स है, ठीक है। तो ICRPG में जो है 500 डिस्काउंट चल रहा है, जब आप आगे लाइक पेमेंट से पहले, है ना। चलो मैं करके ही बता देता हूँ, बाय कोर्स पर जब जाएंगे आप, है ना, तो लास्ट में आएगा आपका ये प्रोमो आएगा ट्रिकी 500, इसको अप्लाई करेंगे आप तो ये 500 डिस्काउंट हो जाएगा। और ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है और ये 25th जुलाई तक ही रहेगा, ठीक है, वैलिड। इसके बाद जो है अपने आप जो है ये फिर वैलिड नहीं रहेगा कोड, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना। नहीं तो हो सकता हो कि कोड भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है ये। ओके देन, थैंक्स फॉर ऑल। बाकी इससे रिलेटेड जो है कंप्लीट लेक्चर मैं बना चुका हूँ कि क्या चीज़ें कोर्स में होंगी, वो सारी चीज़ें, है ना। और लाइक क्लासेस वगैरह के बारे में जाना है, रैंक्स वगैरह, तो सारी कुछ हमने यहाँ पर ऐड कर चुका है, है ना। अबाउट द टीचर्स, अबाउट द रैंक्स, इवन जो है रिव्यूज़ वगैरह, है ना, सारा कुछ हमने ऐड कर रखा है, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहीं पर जो अपन सम अप करते हैं।